हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म का जब भी जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम शोले का आता है। एक ऐसी फिल्म है जिसे आज भी सदाबहार माना जाता है। इस फिल्म ने अपने समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यहां तक कहा जाता है कि यह फिल्म पूरे एक साल तक पर्दे पर टिकी रही थी। इस फिल्म ने लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में कमाई की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शोले से पहले भी एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जिसकी टिकटें 1975 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर शोले से भी ज्यादा बिकी थी। आज से 53 साल पहले इस फिल्म ने 1300 करोड़ की कमाई कर धमाल मचा दिया था। आपको बॉलीवुड का एक किस्सा सुनाएंगे, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल 60 के दशक की शुरुआत में आशा पारेख की फीस 11,000 रुपये से बढ़कर 75,000 रुपये हो गई थी। इंडस्ट्री में उन्हें हिट गर्ल और जुबली गर्ल के नाम से जाना जाने लगा था। यह वो दौर था जब आशा हर निर्देशक की पहली पसंद बन चुकी थी। इस दौरान जितेंद्र भी अपनी पहचान बना रहे थे। अपने 3 दशक लंबे करियर में उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ डांस से भी खूब नाम कमाया। उनके डांसिंग स्टाइल को लोग आज भी नहीं भूले हैं। इसी वजह से उन्हें इंडस्ट्री में जंपिंग जैक का भी टैग मिला। 1971 में जितेंद्र और आशा पारेख अभिनीत एक फिल्म रिलीज हुई। म्यूजिकल और लव ट्रायंगल पर आधारित इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था। फिल्म का नाम है कारवां। रिलीज होते ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म की कहानी ही नहीं, इस फिल्म के कई गानों ने भी लोगों को दीवाना बनाया था। इस फिल्म के कई गाने आज भी लोगों की जुबां पर हैं। यह फिल्म उस दौर में एक बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई थी। जब यह फिल्म चीन में रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी सफलता हासिल की कि मेकर्स भी हैरान रह गए थे। इस फिल्म की कमाई से मेकर्स नोट गिनते गिनते थक गए। फिल्म कारवां 1971 में रिलीज होने के 8 साल बाद यानी 1979 में चीन में रिलीज हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में फिल्म कारवां की 8,80,00,000 से ज्यादा टिकटें बिकी थी, जबकि 8 साल पहले 1971 में भारत में हिट रही जितेंद्र की इस फिल्म की करीब 1,90,00,000 टिकटें बिकी थी। इसके अलावा भी दुनिया के अन्य हिस्सों में यह फिल्म कई बार रिलीज हुई। साल 2000 में जारी एक आंकड़े के मुताबिक केवल चीन में ओवरऑल जितेंद्र की इस फिल्म की कुल 30 करोड़ से ज्यादा टिकटें बिकी थी। वहीं आंकड़ों के मुताबिक अमिताभ और धर्मेंद्र की फिल्म शोले की दुनिया भर में करीब 25 करोड़ टिकटें बिकी थी। अगर एशिया में कारवां का ग्रॉस कलेक्शन देखें तो यह 1,300 करोड़ रुपये से ज्यादा था। बॉक्स ऑफिस इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि कारवां ने 1971 में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर करीब 3,60,00,000 रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया था और इस तरह से यह फिल्म शोले, दंगल, आरआरआर जैसी फिल्मों से उस दौर में ही काफी आगे निकल गई थी, जो आज भी महारिकॉर्ड है। आपको बॉलीवुड का एक किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।